नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं भूमेकर। आज के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की खास सुर्खियों के साथ। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छूने के लिए मंच पर झुके, पीएम ने फिर हाथ पकड़कर रोका। दिल्ली की प्रदूषित हवा से प्रभावित हो रही जीवन रेखा, एड्स से भी ज्यादा जानलेवा। कोल्ड प्ले का मुंबई के बाद अहमदाबाद में भी होगा कॉन्सर्ट, टिकटों की कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश। आर्टिकल 370 पर अमित शाह ने कहा, इंदिरा गांधी स्वर्ग से उतरी जब जम्मू कश्मीर के मामले में फैसले लिए गए। पीएम मोदी ने झारखंड में घुसपैठियों के खिलाफ उठाई बड़ी आवाज, कहा कि ये साजिश झारखंड की पहचान बदलने की है। महाराष्ट्र चुनाव, असदुद्दीन ओवैसी का मुस्लिम कार्ड, विपक्षी गठबंधन के गणित को बिगाड़ने की संभावना। राहुल गांधी का मोदी का विकल्प बनने की यात्रा, रोजगार, किसान मुद्दों पर आवाज उठाई। सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर न्याय पर कड़ा रुख, तोड़फोड़ से पहले पूरी प्रक्रिया का पालन जरूरी। दुल्हन का दिल छू लेने वाला वीडियो, खिड़की से अपने दूल्हे को देख रही थी, हुआ वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर। दक्षिण अफ्रीका में भारत और पोर्ट्रियास के बीच जारी T20 सीरीज, हर्षल गिब्स ने पोर्ट्रियास को विजेता बताया। अब रुख करते हैं हरियाणा की खास खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा सत्र, गवर्नर का बड़ा ऐलान, CET पास अभ्यर्थियों को 9,000 रुपये मानदेय। जी हां, हरियाणा विधानसभा सत्र के पहले दिन गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि CET पास अभ्यर्थियों को यदि नौकरी नहीं मिली तो सरकार उन्हें 2 साल तक हर महीने 9,000 रुपये का मानदेय देगी। इसके अलावा सरकार ने ग्रुप सी और डी की महिला कर्मचारियों को उनके मनचाहे जिले में तैनाती देने का भी निर्णय लिया है। गवर्नर ने विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि नतीजे दर्शाते हैं कि लोगों को सरकार की नीतियां पसंद आई। विधानसभा सत्र की कार्यवाही 18 नवंबर तक जारी रहेगी और इस दौरान कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने मंत्री अनिल विज के बयान पर सवाल उठाए। मोहनलाल बड़ोली ने मेवात में किया बीजेपी का सदस्यता अभियान का उद्घाटन, 25,000 नए सदस्य जुड़े। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पहली बार मेवात पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है और किसी भी कार्यकर्ता को मायूस होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मेवात क्षेत्र के विकास में पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका को सराहा और आश्वस्त किया कि भविष्य में भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सदस्यता अभियान के तहत मेवात में अब तक 25,000 नए सदस्य जुड़ चुके हैं। पार्टी का लक्ष्य 2.5 लाख सदस्य बनाने का है। नू विधानसभा से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन, फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुनहाना से जिला प्रमुख जान मोहम्मद व एजाज खान ने सबसे ज्यादा सदस्य जोड़े। इन तीनों को सम्मानित भी किया गया। पलवल में गैस पाइपलाइन लीक से विस्फोट, भगदड़ में गिरकर एक की मौत। जी हां, पलवल में मंगलवार को गैस पाइपलाइन में लीक के कारण हुए भीषण विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और ये हादसा उस समय हुआ जब गैस पाइपलाइन में रिसाव के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई और भगदड़ के कारण एक व्यक्ति आग में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाके की आवाज़ सुनते ही लोग इधर उधर भागने लगे थे और इसी भागम भाग में कई लोग घायल भी हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी, राहत कार्य जारी है। फरीदाबाद में हाईकोर्ट के आदेश पर सील की गई दुकानें फिर से खुली, निगम अधिकारियों की कार्रवाई पर सवाल। जी हां, फरीदाबाद में नगर निगम द्वारा सेक्टर 9-11 की डिवाइडिंग रोड पर सील की गई ऑफिस और दुकानों को फिर से खोल लिया गया है। करीब एक माह पहले हुए सीलिंग कार्रवाई में एक दर्जन से ज्यादा प्रतिष्ठानों को सील किया गया था, जिसके बाद निगम आयुक्त सुमित कुमार ने प्रतिष्ठान मालिकों को दीवार खड़ी करने का आदेश दिया था। हालांकि कई दुकानदारों ने निगम के आदेशों को अवहेलना करते हुए सील तोड़ दी और दीवारें भी तोड़ दी थी। नगर निगम के अधिकारियों ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। हालांकि SDO सुरेंद्र हुड्डा ने कहा कि सीलिंग तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, संबंधित अधिकारियों को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
तो इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। ताज़ा तरीन अपडेट्स और नवीन जानकारियों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए आपका मन पसंदीदा चैनल देश रोजाना बेबाक सच। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।